सर मेरे चैनल पर इतने सारे सब्सक्राइबर भरे पड़े हैं, बावजूद मेरे चैनल की वीडियोस पर व्यूज क्यों नहीं आ रहा है, इसका क्या रीजन है? जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी परेशान हैं, आपके यूट्यूब चैनल पर काफी सारे सब्सक्राइबर हैं, लाखों की संख्या में सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आपके चैनल के वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहा है, हम क्या करें? तो फ्रेंड्स, आज के बस इस वीडियो को आखिर तक जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 100% वर्किंग ट्रिक, जिससे आपका जो चैनल में जो सब्सक्राइबर भरे पड़े हैं लेकिन व्यूज नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा, आपका चैनल पर व्यूज आना शुरू हो जाएगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर आपके चैनल पर इतने सब्सक्राइबर होने के बाद भी आपके वीडियोस पर व्यूज क्यों नहीं आ रहे, इसका रीजन क्या है और इसका क्या सॉल्यूशन है, सब चीज मैं आपको बताऊंगा। बस आप बने रहेगी स्टूडियो में, वीडियो काफी मजेदार होने वाली है और यूजफुल होने वाली है। अगर इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो 100% आपका चैनल ग्रो करेगा, आपके वीडियोस पर व्यूज आएगा फ्रेंड्स। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका संदीप पीटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो नीचे दिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे को भी दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं इस तरीके का आपको और वीडियो सबसे पहले देखने को मिलते रहेगी। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर आपके चैनल पर ये सब्सक्राइबर आया कहाँ से? क्या आपने सब फॉर सब करके लाया, या फिर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करो मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करूंगा इस तरीके से करके सब्सक्राइबर गेन किया, मतलब आया कहाँ से? अगर आपका सब्सक्राइबर जेन्युइन है तो आपके चैनल की वीडियोस पर व्यूज 100% आएगा, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। हाँ, इनमें से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो लोग को वीडियो के जरिए ही सब्सक्राइबर मिला है, लेकिन पहले व्यूज आया करता था, अब व्यूज नहीं आ रहा है, मतलब अब के समय पर वीडियोस पर जो है व्यूज अच्छे से नहीं आ रहा है। तो उन लोग को मैं बता दूं, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कट ये बता दूं कि आखिर हमारे चैनल पर इतने सारे सब्सक्राइबर होने के बाद भी व्यूज क्यों नहीं आ रहा। इसका रीजन ये है कि देखिए, जब हम अपने एक चैनल क्रिएट करते हैं, जब भी हम एक नया चैनल क्रिएट करते हैं, वहाँ पर हम वीडियो डालना शुरू करते हैं, वीडियो डालते रहते हैं, उन्हीं में से कोई एक वीडियो कुछ इस तरीके से वायरल हो जाती है, उस वीडियो की मदद से हमें काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। जैसे मान के चलिए, मैंने एक रेसिपी की वीडियो बनाई जहाँ पर मैंने बताया कि एकदम बेहतरीन समोसे कैसे बनाए, समोसे तो मेरा फेवरेट है इसलिए बोल रहा हूँ कि समोसे कैसे बनाए। जी हाँ फ्रेंड्स, अब यहाँ पर वो वीडियो मेरा वायरल हो गया, मान के चलिए वो वीडियो मेरा वायरल हो गया, अब उस रेसिपी की वीडियोस मुझे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मिल गए, ठीक है। इस तरीके से मैंने दो चार और वीडियो बनाए उस टॉपिक पर, इस तरीके से करते करते मुझे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर अपने चैनल पर मिल गए। इसके बाद अगर मैं अपने चैनल पर कंप्यूटर को रिपेयर कैसे करें, स्मार्टफोन को अनबॉक्सिंग कैसे करें, रिपेयर कैसे करें, इस तरीके का अगर मैं वीडियो बनाना चाहूं, तो क्या जो सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर आए हैं, मतलब समोसे वाली वीडियो को देख करके जो सब्सक्राइबर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो क्या उन लोग कंप्यूटर रिपेयर की वीडियो देखेंगे क्या, या फिर मोबाइल अनबॉक्सिंग की वीडियो देखना पसंद करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। अब बस यही गलती आप करते हैं, आपका चैनल किसी और वीडियो से ग्रो करता है, उसके बाद आप अपना टॉपिक को चेंज कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है, आपने अपने चैनल पर जाइए और वहां पर एनालिटिक्स पर जाइए और देखिए कि आपके चैनल पर सबसे ज्यादा व्यूज कौन से वीडियो पर आया है, मतलब फाइंड कीजिए, वहां पर एनालाइज कीजिए कि कौन से चैनल पर आपका सबसे ज्यादा व्यूज आया है, और बस उस टॉपिक को फिर चूज कर लीजिए, उसके बाद उसी टॉपिक पर वीडियो बनाना शुरू कीजिए। इसके बाद भी अगर आपका चैनल ग्रो नहीं करता तो आप क्या कीजिए, अपने चैनल पर जाइए, वहाँ पर देखिए कितने सारे वीडियोस हैं, और जिन जिन वीडियोस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आया है उसको ओपन कीजिए, एनालिटिक्स में जाइए और वहाँ पर देखिए कि आपके चैनल पर सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर कौन सी वीडियो को, मतलब कौन सी वीडियो से आया है। यहाँ पर आप क्लियर हो जाएंगे फिर कि कौन सी वीडियो का आपको सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर मिला है, फिर उसी टॉपिक पर वीडियो बनाना शुरू कीजिए, आपका चैनल ग्रो करना शुरू कर देगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर लोग क्या करते हैं, सब फॉर सब करके सब्सक्राइबर गेन करते हैं, उसके बाद फिर वीडियो अपलोड करते हैं, तो यहाँ पर कहाँ से व्यू आएगा भाई, कहाँ से आएगा, क्योंकि आपने सब फॉर सब किया है, वो तो आपने उसके चैनल को सब्सक्राइब किया तो वो भी आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, उसको आपको कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, आपको उसके कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर आपके चैनल की वीडियोज़ पर कहाँ से व्यू आएगा यार, कहाँ से आएगा? तो यहाँ पर जेन्युइन तरीके से अगर आप व्यूज़ लाते हैं तो आपके चैनल की वीडियोज़ पर व्यूज़ आएगा ही आएगा फ्रेंड्स, 100% आएगा। हाँ, मैंने जो आपको ही बताया कि कुछ वीडियो के जरिए हमारा वीडियो वायरल होता है, उससे सब्सक्राइबर मिलता है, फिर जब हम टॉपिक चेंज कर देते हैं तो व्यूज आना बिल्कुल भी डाउन हो जाता है, मतलब व्यूज एकदम से डाउन हो जाता है, व्यूज सही से आता ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, कि इसे हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप अपने चैनल को ओपन कीजिए, वहां पर एनालिटिक्स पर जाइए और वहां पर देखिए कि आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो कौन से वीडियो को देख करके आए हुए हैं, मतलब वहाँ पर जब एनालिटिक्स पर आप जाएंगे तो वहाँ पर दिखा देता है कि कौन से वीडियो को आपको आप मतलब कौन सी वीडियो से आपको सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर मिला है उसे देखिए, फिर जिस वीडियो से आपको सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर मिला है
उस वीडियो को सिंपली आप चूज कर लीजिए और उसी टॉपिक पर वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। आपका चैनल 100% ग्रो करेगा, फिर से आपके चैनल पर व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज ये होती है व्यूज ना आने का कि आप लंबे समय तक यूट्यूब पर काम करना बंद कर देते हैं, मतलब आपने महीने दो महीने तक वीडियो डालना ही छोड़ दिया। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, यूट्यूब के जो एल्गोरिदम है वो समझ जाते हैं कि बेटा अनएक्टिव है, मतलब एक्टिव नहीं है, तो इसके वीडियोस पर काहे रीच दिया जाए। इस तरह मतलब इस कारण से भी एक होता है कि जी हमारे चैनल के वीडियोस पर व्यूज नहीं आता। तो आप रेगुलर काम कीजिए और जो भी टॉपिक पर आप वीडियो बनाते हैं बस एक ही टॉपिक पर वीडियो बनाइए, मतलब टॉपिक चेंज मत कीजिए। जैसे कि मैंने आपको क्लियर कट बता दिया कि मेरे वीडियो समोसे का मैंने वीडियो बनाया था, समोसे की वीडियो मेरा वायरल हो गया, उस मुझे सब्सक्राइबर मिल गया, उस वीडियो के जरिए मुझे सब्सक्राइबर मिल गया ढेर सारे। अब मैं वहाँ पर बनाऊंगा कि कंप्यूटर रिपेयर कैसे करें, मोबाइल अनबॉक्सिंग कैसे करें, बिजली कैसे बनाए, तो यहाँ पर कौन देखेगा यार मेरी वीडियो को, कौन पसंद करेगा। जिस वीडियो से हमारे पास सब्सक्राइबर आया है, हमारे सब्सक्राइबर जो वीडियो देखना चाहते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे तब तो हमारे वीडियो में व्यू आएगा यार, लोग पसंद करेंगे। लेकिन आप करते क्या हो कि हमारे सब्सक्राइबर आए किसी और टॉपिक से और हम बना रहे किसी और टॉपिक पर वीडियो, तो ऐसे में बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ऐसे में आपका चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स। और मेन ट्रिक की मैं बात करता हूँ कि ये क्या, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने चैनल की कम्युनिटी सेक्शन पर जाकर के वहाँ पर आप अपने सब्सक्राइबर को पूछ सकते हैं कि आप कैसा वीडियो देखना पसंद करेंगे। वहाँ पर दो चार पोल डाल दीजिए कि मोबाइल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या रेसिपी, जो भी आपका इंटरेस्ट है उस टॉपिक को वहाँ पर डाल दीजिए, पोल डाल करके यहाँ पर आप छोड़ दीजिए। फिर जिस मतलब जिस पोल पर सबसे ज़्यादा आपको वोट मिलता है आप उस टॉपिक पर वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए, आपका चैनल जल्दी जल्दी ग्रो करेगा, आपके वीडियोज़ पर व्यूज़ आना भी शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप जो है अपने इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यार आपने वीडियो तो पूरी देख ही ली, आपने सीख लिया, जान लिया, लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में घंटे भी दबा दो। यार ये सब तो बिल्कुल फ्री है, अभी कभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में घंटे को भी दबाओ। उसके बाद अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो मुझे कमेंट करके बताओ, आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट करके बताओ, मैं 100% उसकी रिप्लाई करूंगा फ्रेंड्स। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो पे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।